हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, ये एयरफोर्स टॉप 10 सीरीज का जो पार्ट नंबर हमारा 19 है, पहले हम लोग 18 तक देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आपका, समीकरण मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूलों का योग क्या है, के मूलों का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो मूल निकालने के लिए इसको देखें, तो मॉड एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ से, तो माइनस बी, बी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर तो वन रहेगा, अंडर रूट में होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान कितना है वन, और सी का मान कितना है माइनस के 6 अपॉन में 2a, तो 2 हो जाएगा क्योंकि ए का मान वन है। माइनस वन प्लस माइनस ये हो जाएगा, देखो माइनस यहाँ पे प्लस, 4 6 24 और 1 25, और बटे में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे प्लस लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं प्लस, तो प्लस लेते हैं तो ये 5 निकलेगा बाहर, 5 से 1 कम हो जाएगा 4, 4 का आधा तो 2 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस लेते हैं तो 5 माइनस का और माइनस का 1 माइनस 6, और आधा करेंगे तो माइनस के 3। अच्छा बताओ, मॉड की वैल्यू क्या माइनस हो सकती है, तो ये तो नहीं होगा इसका मान। अब मॉड एक्स का मान 2 है, तो एक्स या तो प्लस का 2 होगा या माइनस का 2, यहाँ दोनों रख सकते हैं क्योंकि मॉड से बाहर निकलने पर क्या आएगा, प्लस आएगा, तो या तो 2 होगा या माइनस 2, तो यही आपके क्या हो गए, मूल हो गए, क्या हो गए, मूल, और मूलों का योग पूछ रहा है, मूलों का योग। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, 2 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 - x + y - xy का हल है, ठीक, इसका हल पूछ रहा है। तो हल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखो, अवकल समीकरण में एक्स डी एक्स एक तरफ करते हैं, वाई डी वाई एक तरफ, और दोनों और इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे दोनों मिक्स दिए, तो अलग करना है इसको पहले। तो 1 - x, इन दोनों में देखो y कॉमन है, तो y कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ बचेगा x, अगेन हम इससे और इससे देखो 1 - x कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ प्लस का y, ठीक है, ये हमारा डी वाई डी एक्स दिया गया। अच्छा, y वाले को y के पास और dx को x के पास भेज दो, तो डी वाई बटे 1 + y हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा 1 - x और ये dx, अब दोनों और इंटीग्रेशन कर दो, ठीक। तो 1 / 1 + y का हो जाएगा log 1 + y, y के साथ कोई संख्या है नहीं है तो वो अपॉन में नहीं आई, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे देखो, 1 - x का इंटीग्रेशन कर दो, 1 का हो जाएगा x माइनस, x का करेंगे तो x² / 2 प्लस c कॉन्स्टेंट छोड़ देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन में ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये ज्यादा बड़े बड़े ऑप्शन हो रहे थे, इधर जगह कम थी इसलिए नहीं लिखे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा लॉग 1 + y बराबर x - x² / 2 प्लस c, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप ध्यान से देखिए, आप यू कराए x / z ABC, x + a y + b z + c की सारणी ज्ञात करनी है। तो देखो जरा, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले पहले थोड़ा बहुत देखा करो, ध्यान से देखा करो। यहाँ पे देखो, हम अगर R1 R2 को जोड़ें तो x + a यहाँ पे भी x + a, y + b यहाँ पे भी y + b, z + c z + c यहाँ पे भी है, तो जोड़ने में कुछ फायदा हो रहा है। तो देखो, R1 और +R2 को अगर जोड़ देते हैं तो x + a, y + b और z + c बचेगा, ये R2 ऐसे ही सेम लिख देंगे ABC, ठीक है, और ये R3 में क्या है, x + a, y + b और z + c। अब देखो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, R1 और R3 क्या हो गए आपके, सेम हो गए, क्या हो गए, सेम, अगर सेम हो जाते तो आंसर क्या हो जाता, 0, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखिए, x - 1/x^18 के विस्तार में मध्य पद ज्ञात करना, तो मिडिल टर्म पूछा गया, क्या पूछा गया, मिडिल टर्म। अच्छा बताओ, यहाँ पे पावर कितनी है, पावर 18 है, तो टोटल टर्म कितने होंगे, 19, तो 19 में 9 उधर हटा दो, 9 इधर, बचा हुआ दसवां पद ही आपको मध्य पद होगा, या फिर जब भी आपको इवन पावर दी जाए, क्या दी जाए, इवन पावर, आपको कुछ नहीं सोचना है, इसका डायरेक्ट आधा कर दो, तो 18 तो ऊपर आएगा, n की वैल्यू 18 सी, इसका डायरेक्ट आधा कर दोगे 9, ठीक है, ये आपका जो आएगा वो मध्य पद आएगा। अब यहाँ पे देखो, x x के पावर में क्या आएगा, पहले वाले टर्म के ऊपर क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, दूसरा वाला टर्म -k/1x के ऊपर जो यहाँ लिखा है वो आता है, ठीक है, x की पावर 9 ये भी है, x की पावर 9 ये भी है। अब माइनस की पावर यहाँ पे ऑड नंबर है, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो -18c9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को लिखने का तरीका क्या है, देखो माइनस लिख दो यहाँ पे, सी लिख के फिर क्या लिख देंगे, 18 और कॉमन 9, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका, -18c9, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिए, कह रहा है, 2 पासे को 2 बार उछाला जाता है तो 5 का योग प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, पासे कितने आपके पास, 2, तो देखो एन एस आपका क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 36 हो जाएगा। अब एन ही आपका, एन ही आपको क्या चाहिए, 5 का योग, क्या चाहिए, 5 का योग, 5 का योग आ जाए, तो ऐसे कितने केस बन सकते हैं, या तो 1 आ जाए दूसरे पे 4 आ जाए, या दूसरे पे पहले पे 4 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए, ठीक है, या 2 आ जाए, 3 आ जाए, या 3 आ जाए, 2 आ जाए, इसके अलावा कोई बन रहा है क्या, नहीं, तो टोटल एनी कितने बन जाएंगे,
जो आपको चाहिए वो कितने हैं, टोटल 4 केस हैं। ठीक है, प्रायिकता क्या होती है, एनी बटे एन एस, एनी बटे एन एस, तो एनी का मान 4 है और एन एस कितना, 36, तो आंसर हो जाएगा 1/9, 4 9 36, 1/9 आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, करने के तरीके तो और भी है लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए, कह रहा है 0 से 1.5 कह रहा है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखो 0 से 1.5 दो पार्ट में टूट जाएगा, 0 से 1 के लिए अलग और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 से 1.5 के लिए अलग। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब देखो 0 से 1 के लिए एक्स का क्या मान हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में जो इंटीजर हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर पूरा पूरा लेना कोई होगा नहीं, ये हो जाएगा डी एक्स और ये 0 से 1 प्लस यहाँ से 1 से 1.5 के बीच इंटीजर निकालना तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 और ये 1.5 डी एक्स। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया खत्म, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, लिमिट क्या है 1 से 1.5, तो अपर लिमिट 1.5 माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा 0.5, 0.5 को ही लिख सकते हैं हम लोग 1/2, आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गया, चलिए अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको इंटीग्रेशन दिया 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अच्छा देखो, जब भी आपको ऐसा फंक्शन मिले कि ए से बी लिमिट हो एफ एक्स बटे में एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इस टाइप से फंक्शन मिल जाए कि ऊपर जो लिखा हो वही नीचे लिखा हो प्लस इन दोनों को जोड़ के एक्स घटा के यहाँ लिखा हो, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो आपको याद रखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बी से ए को घटाएंगे और जो आए उसका आधा कर देंगे, आंसर होता है। ठीक है, अब इधर यहीं पे ये लिमिट 0 हो जाए, लोअर लिमिट 0 हो ऊपर अपर लिमिट कुछ भी हो तो डायरेक्ट 0 हो जाए, तब क्या करेंगे अपर लिमिट का आधा, अपर लिमिट का आधा। ठीक है, जब ये 0 हो जाए, 0 से बी बन जाए, मान लो 0 से ए बन जाए तो a/2। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है, यहाँ पे देखो बनता वही है क्योंकि आप इसको इन दोनों को जोड़ेंगे 0 और b को तो 0 ही तो हो जाएगा, बी से 0 घटाएंगे तो बी तो बचेगा, इसलिए वो 0 के केस में डायरेक्ट आधा कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर लो वैसे भी एक ही आएगा, तो 0 π/2 देखो लिमिट दी गई यहाँ पे, देखो जो फंक्शन है वही यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ो तो π/2 घटाओगे साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, सेम फॉर्मेट है, आंसर क्या हो जाएगा अपर लिमिट का डायरेक्ट आधा का, क्यों 0 है, बाकी घटा के लिखोगे तो भी हो जाएगा, तो π/2 का आधा करोगे तो क्या आ जाएगा π/4, आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए ध्यान से, आयोटा प्लस √3/2 की पावर 100 प्लस आयोटा माइनस √3/2 की पावर 100, इसकी वैल्यू बतानी। तो देखो ये जो वैल्यू लिखी है ओमेगा की होती है कब, जब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम बना लेते हैं इसको, फॉर्मेट सेट करते हैं, अगर आयोटा से हम मल्टीप्लाई करा दें तो आयोटा स्क्वायर बनेगा और यहाँ √3 आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस √3 और आयोटा अपॉन 2, मल्टीप्लाई कराए तो डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो 2 आयोटा की पावर देखो ऊपर 100 है तो वो 1 हो जाएगा, तो वो वाला लिखेंगे नहीं हम लोग, ध्यान सुन लेना। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कराओ तो ये हो जाएगा -1 और माइनस का √3 आयोटा अपॉन 2 और पावर तो 100 है ये, तो इसलिए आयोटा की पावर 100, आयोटा की पावर 4 से जो डिवाइड हो जाती है वो क्या होती है 1 होती है, इसलिए हम लोग उसको नहीं लिख रहे। ठीक, स्टेप बचा ले रहा है, पावर क्या 100, अभी तो ये वैल्यू होती है ओमेगा की और ये हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, वैल्यू तो आपको याद ही होंगी, तो पावर 100 दी गई, यहाँ पे भी पावर क्या दी गई 100, तो ओमेगा की पावर ये 100 हो जाएगी प्लस मल्टीप्लाई कराएं तो ओमेगा की पावर 200, ओमेगा की पावर 200। अब देखो यहाँ पे जो पावर ओमेगा की उसकी जस्ट डबल हो, बीच में क्या हो प्लस, तो आंसर हमेशा क्या होता है माइनस, तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो। देखो ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है 1, तो ओमेगा की पावर यहाँ 3 से 99 तक कट जाएगी तो बचेगा ओमेगा प्लस, यहाँ पे कट काटोगे तो ये कितना कट जाएगा 198 तक कट जाएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिला के क्या होता है माइनस 1, ऐसे कर लो चाहे डायरेक्ट याद रखो, इसका डबल दिया हो बीच में प्लस तो -1 आंसर, तो -1 यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया आपको, 10 भुजा के बिकड़ों की संख्या, आपको साइड्स दी गई है 10, कितनी साइड दी गई है 10 और बिकड़ों की संख्या डायगोनल पूछ रहा है, तो देखो डायगोनल क्या होते हैं एन एन -3/2, एन की वैल्यू कितनी है 10, तो 10, 10 से 3 कम करोगे तो 7/2, 5 बार कट जाएगा, 5 7 35, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि सिंपल है तो पूछा ही नहीं गया। ठीक, ये आपको याद रखना है डायरेक्ट। ठीक है, कभी कभी विकर्ण देके भुजा पूछ लेता है, आज भुजा देके क्या पूछा गया है विकर्ण। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए ध्यान से, बिंदु -2,0 तथा 4,0 से होकर जाने वाले 5 त्रिज्या वाले वृत्तों की संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिए इसके लिए आपको नोट पॉइंट लिख लेना, हमेशा याद रखना है कि जितने पॉइंट दिए जाए, आपको यहाँ पर पॉइंट कितने दिए गए 1 और 2, जितने पॉइंट दिए जाते 2 पॉइंट है तो इसमें आपको 2 सर्किल, कितने सर्किल हो जाएंगे 2, जितने पॉइंट होते हैं उतने ही वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पॉइंट 4 दिए जाएंगे तो 4 वृत्त, 3 वृत्त, 3 दिए हैं 3 वृत्त, यहाँ पे कितने पॉइंट 2, तो आंसर हो जाएगा 2, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक से जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।